जो कू आ गाओ। सोने की रातें ए सोने के कलश धराओ महारा के महारा मम्मी सोने गौआ के गोबरा मंगा मुझे बताए नहीं आपको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे। हमारा दीदी और जीजा जी पीछे अभी तक खड़ा है, इनका मतलब पैर अभी तक थका नहीं। ठीक है, खड़े रहो, मिलते हैं शाम को। राधे राधे मम्मी। और यहाँ पे देखो राम जी की डेंडिंग पेंडिंग हो गई, सुबह से सर्विस, नहा धो के गाजर माजर लगा के सो गए, आराम ही हो रहा। हेलो राधे राधे, सीताराम राधे राधे। ओलुलुलुलुलुलु तुम्हारी नक्कू तुम्हारी ओट ओलुलुलुलु। मम्मी देखो बढ़िया ने नहा दो और राम जी बिल्कुल सो गए। अब जो उठे वही 11 बजे। ओ राधे 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 राधे। भाई ने नाखून देखो इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी, अब अभी मतलब घाव थोड़ा थोड़ा भर रहा। कहा दर्द तो नहीं होता? अच्छा लगा। अच्छा लगा तो एक बार हो तो मुड़ी खा लो। है कैसे खाली थी एकदा बताओ खा ले के। अच्छा हमने खलवाई थी। अच्छा गेम के रूल है तुम तो भर नहीं दिए ऐसे गब्बाए हमारे फूट जाए ज्यादा। हम सोचे थे कि जे 11 बजे तक ना जगे, लेकिन किराने जो बेचना चालू करने और आई चली गई तो ये तो जग गए। ओ भैया तुम उठ गए, ये उठ गए तुम ए देखो तो कैसे बिल्कुल लाते तो इतनी मात लाते। ओ भैया ओ भैया हे सके अग ओ ब्लॉक बनाने तुम्हें आ आ देखो कैसे आ हुई इनकी। अरे सर जी इतने तैयार हो गए, कहाँ गए थे? जो प्रसाद कितने को है अपने बड़े अपन को। अच्छा हाउ प्रसाद जो बड़े अपन को है। देखो आप अभी तक थी हनुमान था तो जो प्रसाद में लगो सबको बांट दो ले लो। देखो हमें दो तो हम ही ले लें जो तो पापा ने पैसा ले लो। और पापा ने तोलिया बांध के इतनी गर्मी में कितने फिर रहे? अरे मांग गए इतना गांव में काम है तो गांव में तो पापा वे हाल गांव से वैसे आए। हम बताएं पापा कहां पहुंचे हैं? हां इतनी ऐसी जे बाहर जाए तो जो दिखाओ तोल के बांधे हैं। अरे नोने रे जा नोने। हां देखो भाई पाखंड बताओ। हां ओ पापा देखो तुम्हारी मुड़ी पे हाथ फेरा मम्मी ने। हां तो बहानो हाथ फेरे। अब बहानो तो देखो उनने बहानो लेके हाथ फेरा मम्मी ने। भगवान ने ले लगा पापा तुम्हारे भाई भगवान हम कैसे सबके हो गए बहुत बड़ा हुआ लगा हमारे ले दो जैसे हम आए हैं तो जैसे अगर तू हो जाए तो शीशा के सामने जा तो अटेगा तो मैं जगह होगा। मम्मी तुम्हारी अगर अगर गंजी हो जाए तो अगर तुम्हारी हो जाए तो मैं कैसा लगे? बुरा लगे बुरा लगे। तुम फूक क्यों होता? हम फूक क्यों होता? अब तो जाओ फूके फूके भी तो फूके फुक गए ऐसे नहीं मतलब है। हम फूके देखो ऐसे फूके अब तुमने ऐसे कर दू रंदे मां को मेटे बाहर में जाते फूंक वो फाक वो सब जनिए देखा है बाहर फूंक वे गिलाने इते इते जे जे जी जी देखाई इते मम्मी है और ते नैना बैठी के जे कोको कैसे कैसे बाहर फूंक बाहर में जा मांग मेट गई हमें नहीं फूंकने ऐसा ये आओ भाई तो संदे आओ भाई तो चल बोलो को सीधो मो तेरे नाम हमने किया है इनके लिए जीवन अपना वाह वाह।
लग गए इतने बाग में सिर्फ बबीता मिले आपको काय के लाने दिन भर आम भाई सब जी पक भी नहीं पा रहे इनके माए देखो तो पाए हाँ दो पके दिखा रहे लेकिन हम बोड़ नहीं पा रहे तो ये पे चढ़ जाओ पेड़ पे डंडा से भी नहीं बोड़ पा रहे पेड़ पे चढ़ जाओ ऊपर सब से केला ही के कोनो तोड़ दो आम तोड़ दो पांच को दे कोई नहीं सुन भाई सब देखो ऐसे कच्ची कच्ची आम खावे लगी जब बबीता कच्चे आम ना कच्ची केरी है बहुत मस्त लग रही हमने इन्हें देखो बताई अमिया देखो जी जी आम पे चढ़वे की कोशिश करने लगे काहे ना बना वीडियो तो हमने तुम्हें आम बताई तुम काहे चढ़ रहे आप तो चढ़ जाओ ऊपर देख दरवाजा अच्छी पकी पकी लग अरे नहीं जा रहे हो का दिखागा समझ में आ गई हमें भी दिखगा देखो हम बताए का दिखगा इन्हें जब देखो जो है ते मधुमक्खी को छत्ता अगर हमें ते आम पे जाती भाई साहब तो हमें इतनी मत जाती हम इतनी मत जाती पूरा मुंह सूज जातो बिना खाए पिए के मत जाती जेठान बाग लगायो रे डाली डाली पे है आम डाली डाली पे सुनाता है तुम्हारे जेठ ने नहीं लगाओ तुम्हारे सास ने और ससुर ने लगाओ जो बाग सुन ले ससुरा ने बाग लगायो रे डाली डाली पे पपीता और केला पपीता केला नींबू अमरूद आम नीम और नीचे है भिंडी हाँ, सब कुछ और तुरैया और का फूल कड़ी पत्ता अनार के भी पेड़ हैं और वो है पुदीना भी है सब कुछ है सब कुछ है ए मेरे पेड़ भैया एक आम दे दो पका पका हुआ बड़ी कृपा हो जाएगी तुम्हारी तुम्हें बहुत पानी देंगे हम बस एक आम दे दो बस भीख मांगो एक आम दे दो बस एक आम भाई सब देखा जी आम के भूखे पेड़ से आम मांगा के कल पेड़ ने एक आम दिया था बहुत ही पका बिल्कुल बाजार में मिलता है ना जैसा उससे भी बढ़िया ताजा मिला था आधा हमने आपको भी खिलाया था कितना मीठा था पता है भी तो हमने खाए हैं इस वजह से उनसे फिर और मांग रहे ऐसा नहीं मिला ऐसा नहीं मिला एक काम देते जाओ हम आपको पानी पिलाएंगे आज राम जी अपने बगीचा में घूम रहे राम जी जब तक तुम बड़ा हुई तब तक ये आम तुमको अमिया खिलाई ये अनार भी तुमको खिलाई अनार सब कुछ तुम्हारा तुम्हारा हमारा हम तुम्हारा वाह अभी इन्हें आज दिन भाई से मम्मी को सुन नहीं दो बिल्कुल दिन भाई को खिल रहा मम्मी से क्या आज हम तुम देखत को पहले सो मम्मी दो दास हो गए लेकिन वो नहीं सो लेकिन तुम जो बताओ हाँ जो कौन सा स्टाइल अरे वाह अभी हम बताएंगे थोड़ा इसको पकड़िए फिर हम बताते हैं हमारा स्टाइल बताओ बताओ अपना स्टाइल बताओ ओ भाई साहब एक बार और ओहो एक बार और बस हो गए एक बार ओहो वाह क्या स्टाइल है तेरे नाम हमने किया है ये बगीचा सारा भैया पुदीना लगाओ क्या होगा जो पुदीना हाँ जो पुदीना लगाओ सो तो हंसता ही पहले तो हम बोला ही नहीं पा रहे देखो भाई साहब मम्मी कितनी हंसाई क्या होगा हो अरे हम बताती हाँ अरे हरी मिर्च किधर उधर लग हरी मिर्च का पुदीना अरे टिकला पादे रोजीना आज तो जो के है देखो जो लगो पुदीना उते लगी हरी मिर्च ये लगी ये हमारे राम जी को टोल लेने देखो भाई साहब इतने छोटे से पेड़ में देखो इतने अमरूद लगे इन्हें टूलन उन्हें स्वाद ही नहीं आवे कछु मैं तुम्हें दिया हम तुम्हें बताया कि उन्हें कैसे स्वाद नहीं आया अमरूद टोला तुमने तो अरे राम जी ओहो इतना छोटा सा पेड़ है उसमें अमरूद लगे देखो राम जी से छोटा है वो पेड़ भज्जा से हल्को है जो पेड़ अब कितने नेची आम लगे हम तो ऐसे आराम से देखो ऐसी टन टन बजा सकत जी हम कछु बस 10-15 दिन में पूरे आम पक भी आए हैं इतने से गिरे रहे पके पके आम गाइस कछु की आवाज आ रही है सोने के सब दिन सोने की रात सोने के कलश धराओ महाराज भाभी जो कु आ गई अपने सोने के महाराज कमम में रहने गौआ के गोबरा मंगा मुंह बताए नहीं आपको रहने गौआ के गोबरा मंगा भेज जाओ सुनो तो कुआ है
तुम बता दो कुआ है। मम्मी अब तुम तो एकदम पूछ भी लग रहे हो। जी हमारे तो एक नई बहू आई है, मम्मी से पूछ रहा है, इनसे पूछ रहा है, सुजी उन्हें बता नहीं रही। सुनो तो मम्मी अब तो बता दो कितना टाइम होगा कुआ है जी। तो हम वीडियो में तो बताए खोजे जिक्कू आ गई अपनी ते कुआ तुम बता दो है? तुम्हें नहीं पता जो है हमें बता नहीं रहा है कि कुआ आ गए थे। सही में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कुआ बैठो कुआ आ गए थे। देखियो बे हवा कर रहे बैठा ला उनने कि पता ही नहीं है हमें कुआ आ गए ना कुते दिखा रहा हो कि लो आ के आओ कहाँ आओ जे ही दिखा रहा है कि लिए। सुनो सुनो रुक जाओ अब रुक जाओ। हाँ हाँ अब नहीं माने हम रुक जाओ बता मम्मी अब गाना तो गा ला बता दो कुआ है नाश्ता अब इतनी बेरा बनने नाश्ता हमें तो कुछ नहीं दिखानो गेट खोल के पड़ा हुआ तो हम देखिया है चलेगा होगा का है हम चेहरा दिखा रहे कुआ को बताओ अब दिखाई पैसा पैसा तो दे दे हम तुम दिखाओ पैसा मिले पैसा तो दे हैं तुम को बता रहे नहीं हमें तब चेहरा नहीं रुक जा हम नहीं से पूछे ले रहे। हाँ भाई साहब कुछ गड़बड़ है ना भाई साहब ना मैं नहीं मानता तुमने कुछ चालबाजी कर रहे। हम तो समझ गए मम्मी समझ गए अरे समझ गए अब तो तुम उठा दो आराम से चेहरा और समझ गए। देखो हम देखो कुआ जी नई बहू देखो भाई साहब जी नई बहू है आई हम आए थे मतलब जो का तरीका है हैं देखो तो ओहो हेलो हेलो हाँ बोलो सुनो तो आए सुनो तो भज्जा सुनो तो इतना तो देखो तो जो का है जो समझो तो बताओ हैं तो बूम जे तीन काले बेस्टे का मम्मी का जो हैं जो की के दिमाग में आता जो है समझो बताओ हैं भाई साहब हमें बिल्कुल भी कोई एक अंदाजा नहीं है तो 1% के जो कुआ है फिर जब हमने गौर से देखो है ने जब आई समझ में कि भाई साहब जैसे लग रहा है तनक तनक कोई वो एक जो भी दिमाग में आ सुनो सुनो और एक जो भी मम्मी हमारे दिमाग में आ रही थी कि उते तो को बाहर दिखाना नहीं है हमें तो मैंने अकेले बहू खुलवा लिया तो हम तनक तनक शक तो हो रहा हो तो लेकिन हम सुनो तो लेकिन फिर हम जा के नहीं पाते सुनो तो हम क्या नहीं पाते अब नई बहू आई कहा कछू कह सांस हो गए नई बहू कड़िया तो फिर जाके इनके घर आए जी ऐसी के रहे जी नई बहू हमें कहा बतो तो जो कहा है सुजो है ऐसी नई बहू देखो तो सेठ ठोक दीजिए महाकाल का सेठ ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।